हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब आगे बढ़ते हैं। देश में एक बार फिर मॉनसून सक्रिय हुआ है और जगह जगह जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदी नाले उफनाए हुए हैं और पानी पुलों के ऊपर उफना रहा है। इस उफनाते हुए पानी में जो भी दुस्साहस करता है वो उसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। आपको दिखाते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा से लेकर एमपी के रतलाम तक कैसे पानी अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। तस्वीरों में देखिए कैसे एक वैन पानी के बीच फंस गई है। पीछे से आवाज आती है, बांधो बांधो। वहां खड़े लोग गाड़ी को रस्सी से बांध कर खींचने की बात करते हैं। फिर रस्सी लाई जाती है और फिर पानी में फंसी वैन को रस्सी से बाहर निकालने की कोशिश होती है। पर पानी का बहाव इतना तेज होता है कि गाड़ी में जितनी देर में रस्सी बांधी जाती उतनी देर में वैन बह जाती है। देखते ही देखते वैन पूरी तरह से पानी में डूब जाती है। तस्वीरें एमपी के रतलाम की हैं, जहां उफनती पुलिया से रास्ता पार करते वक्त एक वैन पानी में फंस गई। पर वहां जमा लोगों की समझदारी से वैन में सवार दो लोगों को बचा लिया गया। अब दूसरी तस्वीर देखिए, देखिए कैसे पुल पर पानी बह रहा है और एक ट्रक सामने से आ रहा है। धीरे धीरे ट्रक पुलिया के नजदीक आ जाता है और बहते पानी में ट्रक रास्ता पार करने की कोशिश करता है। पानी का भाव इतना ज्यादा था कि ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और ट्रक पानी के साथ बह गया। ए मरी क्या तूफान क्या मरी गया यार। तस्वीरें राजस्थान के बांसवाड़ा की हैं। ट्रक में सीमेंट लदा था और ये ट्रक सीमेंट लेकर कुशलगढ़ जा रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक तैर कर नदी से बाहर निकले। बोला सर गाड़ी निकल गई, अभी दो गाड़ी निकल गई है, ये बोला लोगों ने। हमने डाला, समझ गए कि चलो अच्छा वजन गाड़ी के साथ जाएगी, यूँ करके डाली और गाड़ी अंदर आते आते बंद हो गई। बंद होने के बाद में पानी का थोड़ा दौड़ आया, उसमें फेंका। वहाँ खड़े लोगों ने पानी में बहते ट्रक का वीडियो बना लिया, लेकिन ये वीडियो एक संदेश भी देता है कि पानी के साथ खेलना जान के लिए खतरा भी हो सकता है। पिछले दो दिनों से मध्यप्रदेश में हो रही लगातार बारिश ने मध्यप्रदेश के लोगों पर बुरा प्रभाव तो डाला ही है, अब इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। एमपी के बाणसागर डैम से छोड़ा गया 2,29,000 क्यूसेक पानी बिहार के रोहतास में इंद्रपुरी बराज पहुंचने लगा है, जिससे बिहार के सोन नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इंद्रपुरी बराज से 2,15,000 क्यूसेक पानी सोन नदी में छोड़ा गया है। सोन नदी के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए तटीय क्षेत्रों व सोन डीला के लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार सोन नदी की निगरानी कर रहे हैं। बाढ़ से निपटने के लिए सोन नदी के आसपास रह रहे लोगों को प्रशासन ने अपने घरों को खाली करने को कहा है। छिंदवाड़ा में भी पिछले दो दिनों से हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पानी के इस रौद्र रूप को देखिए, कैसे लगातार बारिश ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव डाला है। एमपी के छिंदवाड़ा में लगातार हो रही बारिश से मोखेड़ में बैरियल नदी उफान पर होने की वजह से आवागमन प्रभावित हो गया है। पानी ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया है कि कई पुल बह गए हैं, जिससे लोगों का दूसरे गांवों से संपर्क टूट गया है। लगातार बारिश से लोगों के जान माल को भी काफी नुकसान हुआ है। अब इस ढहे हुए मकान को देखिए, लगातार हो रही बारिश से छिंदवाड़ा के तामिया के लोटिया गांव के किसान का मकान ढह गया है। कब फिसला जी? 2-3 रोज। मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी और ज्यादा बारिश का अनुमान है।